हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। ये है पार्ट आपका नेक्स्ट, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं, जो कि हमारे चैप्टर 3 का है। और फिलहाल ये जो आप देख रहे हैं, ये ऑडिट का सेशन चल रहा है, ठीक है सर। तो इस पार्ट में हमें पढ़ना है ऑडिट इन डेप्थ और एग्जामिनेशन इन डेप्थ। मैंने थोड़ी देर पहले ही, 5 मिनट पहले ही, अपना जो टेलीग्राम का ग्रुप है, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें मैंने 5 to 10 के सारे क्वेश्चंस वगैरह जो हैं वो सिलेक्ट करके वहाँ पे डाल दिए हैं। अभी देखो मेरे नंबर पे ना कॉल आ रहा है। वो भाई साहब क्या कह रहे हैं कि कल आपने टैक्स का वीडियो आज नहीं डाला, तो आप, इसलिए मैं आपको कॉल करके पूछना चाहता हूँ कि आपने टैक्स का वीडियो क्यों नहीं डाला। मतलब कुछ लोग तो मुझे समझ में नहीं आते यार, अब नाम लेना भी गलत होगा भाई का। कल ही डाले थे मैंने 2 लेक्चर। अभी कल की प्लानिंग है कि मैं 2 लेक्चर डालूंगा। मैं अल्टरनेटिव बेसिस डाल रहा हूँ, एक दिन ऑडिट एक दिन डीटी, एक दिन ऑडिट एक दिन डीटी। लेकिन ये भाई साहब कॉल कर करके अभी मुझे पकाएंगे 20 मिनट की, सर आपने लेक्चर क्यों नहीं डाला। यार तुम लोग भी ना थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाया करो कि मास्टर के पास और भी काम होते हैं ज़िंदगी में, ठीक है, इसके अलावा भी। तो वैसे तो पूरे दिन मैं यही सोचता रहता हूँ अगला पार्ट क्या करवाना है, कैसे करवाना है, लेकिन थोड़ा सा स्पेस मुझे भी दिया करो ज़िंदगी का, कि आपको नहीं अच्छा लगता है मुझे आपको एंटरटेन करना, लेकिन यार थोड़ा सा समझा करो कि मैं भी एक इंसान हूँ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कैसे सीखना है, पहली बात तो ये सीखो। अगर आप इसमें जनरल लैंग्वेज लिख दोगे, ठीक है, जनरल लैंग्वेज, तो भैया आपके मार्क्स आएंगे 5 में से 2 और 3। लेकिन 5 में से 5 लगना है तो मैं अगेन कहूँगा कि प्रैक्टिस में हल्की लैंग्वेज आनी चाहिए। भैया आपसे कह रहा है ऑडिट इन डेप्थ का मतलब क्या होता है। सर ऑडिट इन डेप्थ का मतलब होता है कि जब आप स्टार्ट से लेके एंड तक सारी पजल सुलझाते हो, आप स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड तक की सारी चीज़ों को जब अंडरस्टैंड करते हो, तो हम कहते हैं कि आपने ऑडिट इन डेप्थ किया है। मतलब आपने हवा में तीर नहीं चलाए हैं, आपने रियलिटी में उन चीज़ों को समझा और जाना है। सर इसी की मीनिंग अगर मैं आपसे कहूँ लिखने के लिए, तो आप कुछ भी अगर मैं कह दूँ लिखने के लिए तो आप लिख देंगे, लेकिन अभी हमें लिखना है ICAI के अकॉर्डिंग। तो ये क्या कहता है ऑडिट इन डेप्थ मीन्स, मतलब इसका मतलब क्या है, मीन्स एग्जामिनेशन ऑफ अ फ्यू सिलेक्टेड ट्रांजेक्शन फ्रॉम ओरिजिन टू दी एंड। मतलब शुरुआत से लेके अंत तक की बात कर रहा है, ठीक है, शुरुआत से लेके अंत तक की बात कर रहे हैं भाई साहब। थ्रो दी एंटायर फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन इसका मतलब क्या हुआ, वही जो अभी आपने यहाँ सीखा था जनरल मीनिंग, लेकिन उसी को PM की लैंग्वेज है, मीन्स एग्जामिनेशन। इसमें हम एग्जामिनेशन तो करेंगे लेकिन ओरिजिन से लेके एंड तक करेंगे। लेकिन नॉर्मल बच्चे क्या लिखेंगे, स्टार्ट टू एंड। लेकिन वो बच्चे जिन्हें अच्छे मार्क्स चाहिए वो क्या लिखेंगे, ओरिजिन टू एंड, जिसमें हम सिलेक्ट करते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन को। क्या कहते हैं, किसी भी ट्रांजेक्शन को। मतलब टेस्ट चेकिंग तो है, सैम्पलिंग तो है। लेट सपोज 100 में से मेरा नंबर निकल के आया 21, 37, 52, 72, ठीक है सर, और एक निकल के आया मेरा 89। लेकिन अब मैंने जब 21 नंबर वाउचर को सिलेक्ट किया, तो मैं इसकी स्टार्टिंग से लेके, जिसे हम ओरिजिन वर्ड कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ओरिजिन से लेके एंड तक, ठीक है, मतलब A to Z जो इसकी कहानी है, उसकी मैं अंदर जाके पता करूंगा कि इसको साइन किसने किया, ऑथराइज किसने किया, डॉक्यूमेंटेशन किसने किया, रिकॉर्ड किसने किया। जो क्वेश्चन नंबर 7 में आपने सीखा था ना, सेकंड पॉइंट क्या था, ARD था ना, दैट इज़ ARD, मतलब उसका ऑथराइज किसने किया, रिकॉर्ड किसने किया, डॉक्यूमेंटेशन किसने किया। तो ये A to Z कहानी मैं जानूंगा उसकी, जो ट्रांजेक्शन मेरे पास सिलेक्ट होने के बाद आई है, थ्रू इंटायर फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन, और उस ट्रांजेक्शन का पूरा फ्लो चेक करेंगे। कैसे करेंगे, पूरा फ्लो, उसको ऑथराइज किसने किया, रिकॉर्ड किसने किया, उसका डॉक्यूमेंटेशन क्या है, उसका प्रेजेंटेशन क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग वो कैसा होना चाहिए, ये सारी बातें मुझे वहाँ पे देखनी पड़ेगी, ठीक है। और इसके अकाउंटिंग, उसका अकाउंटिंग ऑपरेशनल एस्पेक्ट क्या है, ऑपरेशनल अकाउंटिंग और
ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स, यानी अकाउंट के अनुसार उसकी क्या-क्या इम्पैक्ट आने चाहिए इसका भी ध्यान में रखूंगा जो ट्रांजैक्शन मैंने सिलेक्ट की थी। ठीक है सर, अब इसी में एक छोटी सी बात और आती है, दैट इज़ कि ये जो मैंने सिलेक्ट किया है ये मेरे लिए एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है। क्या है? एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल का मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट को चेक करके मैं कंक्लूड करूँगा कि इसकी 100% पॉपुलेशन कैसी है। वही एग्जांपल, आपने एक राइस लिया, किसमें से एक बॉयल राइस के कोई भी बर्तन होगा आपका, उसमें से आपने एक राइस टेस्ट किया और आपने अनुमान लगा दिया कि पूरा का पूरा जो राइस है उसका टेस्ट कैसे होने वाला है। तो इस सर इसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है सर, तो इसी के बेस पे जो हमारे ऑडिटी हैं, जो ऑडिट कर रहे हैं, वो समझेंगे कि जो एंटिटी है उसका सिस्टम कैसा है और जो एंटिटी है उसका प्रोसीजर कैसा है। ठीक है, और इसी के ऊपर एक कोड आपको याद रखना है, आउ आर आर एक्सप्लेन द फंक्शन, एक्सप्लेन द फंक्शनिंग। ठीक है, नेक्स्ट टाइम द सैंपल विल बी स्मॉल। अब आप बोलोगे सर ये आओ क्या है? तो सर आओ के लिए आपसे अगर कोई पूछे तो आप इसको बोलना कि आओ है अकाउंटिंग, अकाउंटिंग ऑपरेशंस। ठीक है, आर आर क्या है? तो सर एक आर आपका इंडिकेट करता है कि रिकॉर्डिंग अच्छे से करना, और एक आर इंडिकेट करता है कि आपको रिप्रेजेंटेशन जो आप कर रहे हो वो अच्छे से करनी है। ठीक है, एक्सप्लेन द फंक्शनिंग मतलब जो आपने ट्रांजेक्शन सेलेक्ट किया है उसका ओवरऑल फंक्शन क्या है। नेक्स्ट टाइम अगली बार हम क्या करेंगे, इससे भी छोटा सैंपल चूज करेंगे। जैसे इस बार हमने 100 में से सिर्फ 10 चेक किए हैं और इंटरवल क्या रखा है, 10 10 10 10 और स्मॉलर, यानी हम सिर्फ इस बार 5 5 के डिफरेंस पे सारी चीज़ें चेक करने लगेंगे। ठीक है, अब जरा इसका स्टडी मेट से लैंग्वेज पढ़ के एक बार कोशिश करते हैं क्या लिखा है स्टडी मेट ने इसने। ये कहता है एग्जामिनेशन इन डेप्थ मीन्स एग्जामिनेशन ऑफ अ फ्यू सिलेक्टेड ट्रांजेक्शन, मतलब 100 में से आप 5 ही सिलेक्ट कर रहे हो लेकिन आप उसे बिगिनिंग से उसका फ्लो जो ट्रांजेक्शन का है वो आप चेक कर रहे हो। इट इन्वॉल्व स्टडिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन फ्रॉम द वेरियस स्टेजेस थ्रू दे हैव पास्ट, मतलब जहाँ जहाँ जाएगी तेरे पीछे पीछे आऊँगा, ओ सॉरी, ये एक गाना था, तू जहाँ जहाँ जाएगी मैं पीछे पीछे आऊँगा, ओ सॉरी, एक समथिंग गाना था लाइक दैट, कि वो ट्रांजेक्शन जहाँ जहाँ से होके गुजरी है मैं वहाँ वहाँ हर उस मोहल्ले हर उस चौराहे पे जाके तेरा इंतज़ार करूँगा, लाइक दैट। आपको ऐसा करना पड़ेगा। एक्सपेक्ट्स क्या है वेरिफिकेशन के, इसके एट ईच स्टेज, हर स्टेज पे आप रिकॉर्ड को चेक कर रहे हो, आप अथॉरिटीज़ को चेक कर रहे हो, जिसको हमने कहा था ना ARD, वही कॉन्सेप्ट है कि आप उसे क्या कर रहे हो, एग्जामिन कर रहे हो। आपने अथॉरिटी को देखा कि अथॉरिटी जो है वो अपना काम सही से कर रही है नहीं कर रही है। अकाउंट सर ये पूरा पैराग्राफ रटोगे नहीं रट पाओगे, जो हाईलाइटेड वर्ड कर रहा हूँ उनको समझ के वो लिखना अपने आंसर के अंदर। ठीक है, आपके अकाउंटिंग का और ऑपरेशन का एस्पेक्ट्स कैसा है, एस्पेक्ट्स कैसा है, यानी आपका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो शुरू से लेके एंड तक उस ट्रांजेक्शन के लिए सही जा रहा है नहीं जा रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, उसका शुरू से एंड तक जो आप ट्रीटमेंट कर रहे हो वो सही जा रहा है नहीं जा रहा है उस बात का, ओरिजिन टू एंड हमें इसका ख्याल रखना होगा कि ट्रांजेक्शन का ट्रीटमेंट सही है या नहीं है। आपने जो ट्रांजेक्शन सिलेक्ट की है वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है या नहीं है, यानी रिप्रेजेंटेटिव सैंपल मतलब एक सैंपल जो आपने सिलेक्ट किया है वो पूरे पूरे पॉपुलेशन को इंडिकेट कर रहा है, तो आपका सैंपल का सिलेक्शन बेहतरीन होना चाहिए ताकि आप पूरे जो पॉपुलेशन है उसका अंदाज़ा सही लगा सकें। एक्सप्लेन मोर अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द क्लाइंट सिस्टम, और इस तरीके से आपकी एग्जामिनेशन इन डेप्थ होनी चाहिए कि जो भी 4 ट्रांजेक्शन चेक की है वो 40 के बराबर हो, यानी कहते हैं ना कि एक अकेला सब पे भारी, लाइक दैट, कि एक ट्रांजेक्शन सिलेक्ट करके हम अनुमान लगा पा रहे हैं कि पूरे क्लाइंट का सिस्टम कैसा है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चे ऐसे हैं तो माँ बाप कैसे होंगे, लाइक दैट, कि बच्चे क्या हो गए, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल की उनकी फैमिली कैसी होगी। व्हेन द ऑडिटर लेवल्स ऑफ कॉन्फिडेंस कंसर्निंग द फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस ही सिलेक्ट द स्मॉलर नंबर ऑफ द ट्रांजेक्शन एवरी नेक्स्ट टाइम। इसका मतलब नहीं समझ में आया, इस लाइन का मतलब मैं चेंज कर रहा हूँ जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, अभी थोड़ा नया बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना।
लेट सपोज आपने पहली बार किसी लड़के से बात की, एक लड़की ने, ठीक है, लड़की का नाम चिंकी, ठीक है। अब चिंकी ने जब मुन्ना से बात की तो चिंकी को बड़ा डर लग रहा था कि ये जो मुन्ना भाई है, ठीक है, जो सर्किट सर्किट करता है, वो अच्छा इंसान है बुरा इंसान है। तो पहली बार ये इससे बात करने में 100% उसको डर लग रहा था, लेकिन जब नेक्स्ट पाया टाइम बात किया तो इसे सिर्फ 80% डर लग रहा था। फिर जब उसके बाद बात की तो कहा नहीं यार ये तो काफ़ी अच्छा है, 50% डर लग रहा था। फिर ये डर क्या हो गया, धीरे धीरे ख़त्म होता गया। फिर बाद में चिंकी ने मुन्ना से शादी कर ली, मुन्ना भाई MBBS के अंदर, और ये डर का लेवल एकदम जीरो हो गया। तो जैसे जैसे एंटिटी के बारे में हम जानते जाते हैं, हमारा सैम्पल साइज़ वैसे वैसे छोटा होता जाता है। नहीं समझ में आया? जैसे जैसे हम एंटिटी को जानते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा जो सैम्पल साइज़ है वो छोटा होता जाएगा। इस बात का ये मतलब है, जो थोड़ी देर ऊपर पहले बताया था उसका इंटरप्रिटेशन मत लगाना, ये वाला लगाना कि जैसे जैसे हम एंटिटी को ज़्यादा जानेंगे वैसे वैसे हमारा सैम्पल साइज़ जो है वो छोटा होता चला जाएगा। अब इसी बात के ऊपर एक एग्जाम्पल है, ये स्मार्ट बच्चों के लिए, जिनको 110 में से 10 चाहिए वो इसको एक बार ज़रूर पढ़ेंगे और उनको वो समझ में भी आ जाएगा कि हमने ये क्या किया है। तो सर इस पार्ट में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में 9 और 10 को फटाफट पढ़ेंगे। छोटे छोटे पार्ट है सर, देखिए 9 का इतना सा है और 10th का इतना सा है, बस ख़त्म है चैप्टर। फिर चैप्टर इन द सेंस ये जो 9 और 10 है वो आपके 15 से 20 मिनट में अभी नेक्स्ट पार्ट में निपट जाएंगे। मैं उम्मीद करूँगा ये पार्ट समझ में आया होगा। थोड़ा सा हार्डवर्क खुद का भी लगाना है, क्योंकि कहते हैं ना कि फ़ोन स्पीडिंग नहीं हो पाएगी, सी IPCC का है। थोड़ी सी मेहनत आप कर लोगे तो भैया आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और रियली आपके लाइक एंड कमेंट की मुझे ज़रूरत है, प्लीज़ करें। उससे मुझे यूट्यूब से पैसे नहीं मिलते सर, लाइक कमेंट के, यूट्यूब वाले व्यूज के ऊपर पैसे देते हैं। तो मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए, मुझे लाइक कमेंट इसलिए चाहिए ताकि मैं ये समझ पाऊँ कि मेरे द्वारा जो एफर्ट लिए जा रहे हैं उससे आपकी वर्थ इंक्रीज़ हो रही है या नहीं हो रही है। टेक केयर एंड बाय बाय।